हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिएगा और घर से बाहर अभी कहीं मत निकलिएगा। आज सोचा कि छोटा सा एक ब्लॉग बनाऊं, ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो शूट किया था और उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातचीत कर ली जाए। तो मैंने जो वीडियो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी, आप प्लीज़ उसको देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन डाली है आंखों से रिलेटेड। तो वो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए बाकी और बातें करते हैं कि मैं आपको बताने वाली थी कि ये ब्लॉग बनाने का मेन पर्पस मेरा जो था वो ये था कि अभी फ़िलहाल ऐसे टाइम जो चल रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है, साथ में ये कोरोना वायरस का भी है, मैं कुछ आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक शेयर करना चाहती थी। अब आप सोचेंगे कि ये कोरोना वायरस के चक्कर में मैं आपके साथ ड्रिंक शेयर कर रही हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ड्रिंक मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी लाइफ में हमेशा लीजिए। क्वांटिटी का वेरिएशन ज़रूर है कि ज़्यादा ले सकते हैं फिर कम लीजिए, किस टाइम आपको कैसी क्या लेना है। क्योंकि सीजन जब चेंज होता है तब भी काफ़ी वायरल इन्फेक्शन्स हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, हमको सीजन चेंज होता है तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमको ये ड्रिंक लेना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी जो है ऐसे इन्फेक्शन से लड़ सके। तो चलिए बताती हूँ मैं ये ड्रिंक कैसे लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ मैंने हाफ ग्लास वाटर लिया है, उसके बाद तुलसी पत्ते ली है, 7-8 पत्तियाँ ली हैं छोटी छोटी, यहाँ पर एक लौंग लिया है, कुछ अदरक को मैंने छोटे से टुकड़े को इस तरीके से स्लाइस में कन्वर्ट कर लिया है, काट लिया है, ये अजवाइन है, देन उसके बाद ये हल्दी, और ये आपको एक एक पिंच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। एक पिंच हल्दी ली है मैंने और एक ही पिंच ये मैंने दालचीनी जो पीस के रखी थी उसका मैंने पाउडर लिया है, और ये जो है ये मैंने काली मिर्च ली है और हाफ लेमन लिया है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हैं। ये पानी इसमें डाल देना है, वो आपको इसमें डालना है। जैसे यहाँ मैंने अदरक डाला, तुलसी पत्ती डाली, लौंग डाल दिया, अजवाइन डालना है, अजवाइन भी आपको हाफ स्पून लेना है, ज़्यादा नहीं लेनी है कोई भी क्वांटिटी। ये दोनों दालचीनी, हल्दी डाल दिया इसमें और हाफ टी स्पून ही यहाँ पर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। अभी ये सारी चीज़ें डाली हैं, लेमन मैंने अभी ऐसे ही रखा है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। मतलब कि अगर हमने 1 ग्लास वाटर लिया है तो वो जब पूरा हाफ हो जाए, यहाँ पर मैंने हाफ ग्लास वाटर लिया था, तो जब तक वो हाफ नहीं हो जाता तब तक मुझे इसको बॉईल करना है, जिससे कि सारी चीज़ों की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो इस ड्रिंक में आ जाए, इस पानी में मिक्स हो जाए। आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये ड्रिंक ऐसे नहीं अच्छी लग रही है तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, या तो कि हनी आप ऐड कर सकते हैं। गुड़ अगर ऐड करेंगे तो आपको इसी टाइम पे गुड़ ऐड करना रहेगा, और हनी ऐड करते हैं तो आप बॉइलिंग टाइम पे हनी ऐड नहीं करिएगा। जब आप इसको स्ट्रेन कर लें, छान लें, उसके बाद आखिरी में आप इसमें हनी ऐड करिएगा। हाफ हो चुका है पानी, अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे। यहाँ मैं लेमन की 5 से 6 ड्रॉप्स इसमें डालूंगी। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने हाफ ग्लास वाटर लिया और उसके साथ मैंने इतना कम ड्रिंक बनाया, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मेरे हस्बैंड के लिए है और एक मेरे लिए है, तो मैं आपको बताती हूँ इसके आगे कि क्यों मैंने इतना कम बनाया। तो चलिए,
इस तरीके से आप ड्रिंक बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी कम ड्रिंक क्यों बनाई, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि वेदर चेंज हुआ है और गर्मी काफ़ी होने लगी है, हीट बढ़ चुकी है। तो होता क्या है कि कई लोगों को ये सूट नहीं करता है, कई लोग मतलब जैसे कि आप बोले कि किसी की बॉडी का अंदर का जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो एकदम से अगर वो ये गर्म फिर से, क्योंकि हमने इसमें जो भी चीज़ें ऐड करी हैं सब इसमें जो चीज़ें हैं वो सब गर्म वाली चीज़ें हैं जिसकी तासीर गर्म है, तो इसलिए हम किसी को भी इतनी ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें वो भी इतने वेदर में नहीं पिला सकते। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अहमदाबाद में जो टेम्परेचर जा रहा है वो 38-39 ऐसा जा रहा है। तो मतलब जितना फ़ायदा चाहिए उतना ही लेना चाहिए। हाँ, अगर आप ठंड के वेदर में इसको ले रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हाफ ग्लास कर सकते हैं, पर अभी आप ज़्यादा नहीं, 3 से 4 सिप लीजिए, बल्कि मैं तो बोलूँगी कि 3 सिप लीजिए डेली। आप इसको ले सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो साइड इफ़ेक्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि इसको आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। आप ठंड में लेते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, वेदर जब आपको लगे कि थोड़ा ठंडा हो चुका है तो आप इसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, बाकी आपको नॉर्मल अभी इस वेदर में ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके और क्या फ़ायदे हैं कि ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बढ़ाता है, जो आप नॉर्मल भी अगर इसको लेते हैं तो ये आपके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है, तो वेट लॉस की हेल्प करेगा। बाकी के जो इसमें चीज़ें हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड करी है, ये इंग्रेडिएंट्स की वजह से एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में, जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन कोई भी किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हल्दी, टर्मरिक, लौंग, अदरक, जिंजर, हमने ये सारी चीज़ें जो यूज़ करी है वो बहुत ही अच्छी होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। सिनेमन की जो तासीर है वो भी गर्म है, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसको आप ले सकते हैं, बाकी टेस्ट में बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, अच्छा है। तो इस तरीके से आप ले लीजिए उसको और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये था एक आज मेरा छोटा सा ब्लॉग और छोटे सा रेमेडी, होप करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।